आज पापा और उसके परिवार के लिए बहुत ही सुहाना दिन है, क्योंकि आज पापा का बर्थडे है। आज पापा सुबह जल्दी ही उठ गई और उसके साथ में जॉर्ज भी उठ गया। अब पापा और जॉर्ज डैडी पिग और मम्मी पिग के कमरे में मम्मी पिग और डैडी पिग को उठाने जा रहे हैं। ये लो, पापा और जॉर्ज मम्मी पिग के कमरे में पहुंच ही गए। अब पापा और मम्मी पिग डैडी पिग उनको उठा रही है। चलो चलो जल्दी से उठो। तभी डैडी पिग बोले, अरे जॉर्ज पापा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? तभी पापा बोली, ओ डैडी आप भी भूल गए, आज मेरा बर्थडे है। चलो चलो काफ़ी सारी तैयारियां करनी है। तभी मम्मी पिग बोलती है, हाँ पापा, लेकिन अभी सुबह होने में तो बहुत वक्त है। नहीं नहीं मम्मी, सुबह तो कब की हो गई, चलो चलो अब मेरे बर्थडे की तैयारियां करते हैं। तभी मम्मी पिग किचन में जाकर पापा का मनपसंद केक बनाने वाली है और जॉर्ज और पापा पिग भी मम्मी को बर्थडे केक बनाने में उनकी मदद कर रही है। आज मम्मी पिग चॉकलेट केक बनाने वाली है और डैडी पिग हॉल में पापा के बर्थडे की तैयारियां कर रहे हैं। तभी पापा आकर डैडी पिग से बोली, डैडी पिग आज मैं मेरे बर्थडे पर अपने सारे दोस्तों को बुलाना चाहती हूँ। डैडी पिग बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम सबको बुला सकती हो। अब पापा पिग ने अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल किया। अब शाम को पापा पिग के सभी दोस्त उसके बर्थडे पार्टी में आने वाले हैं। अब यहाँ किचन में मम्मी पिग का चॉकलेट केक रेडी है और जॉर्ज भी कब से केक खाने के लिए हॉल में बैठा हुआ है। और आज डैडी पिग और मम्मी पिग ने पापा पिग के लिए बहुत ही अच्छा सरप्राइज गिफ्ट भी लाया हुआ है। अब वो पापा को उनका सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। ओ पापा पापा इधर आओ, डैडी पिग ने कहा, इधर आओ पापा, ये लो तुम्हारे लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट लाया है। अब पापा पिग गिफ्ट खोलकर देख रही है। ओ पापा पिग बोली, इसमें तो बहुत ही अच्छा टेडी है, टेडी मुझे बहुत ही पसंद है। तभी पापा पिग के सभी फ्रेंड्स घर पर आते हैं और पापा पिग की बर्थडे पार्टी एंजॉय करते हैं। आज डैडी पिग सबको जादू दिखाने वाले हैं। एक एक करके पापा पिग के सभी फ्रेंड बर्थडे की पार्टी का मजा ले रहे हैं। अब पापा पिग अपने मम्मी ने बनाया हुआ चॉकलेट केक कट करने वाली है।